सो हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विस्ट्रियस। सो वी आर स्ट्रीमिंग एज यूजुअली पाइथन राइट नाउ। सो लेट्स जस्ट ब्रेट इट टू इट गाइस। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे, लेकिन वोट पोल की तरह से हम लोग अभी GUI पे काम नहीं करेंगे क्योंकि उस पर अभी बस 3 ही वोट हुए थे। तो इस वीडियो को देखने के बाद मैं आशा करता हूँ आप लोगों से कि आप उसमें वोट करें। तो आज की इस वीडियो में एक छोटा सा हम प्रोग्राम बनाएंगे जो कि उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन अगर आप अभी जस्ट बिगनर है प्रोग्रामिंग में तो ये प्रोग्राम आपको बहुत हेल्प करेगा। तो गाइज, बहुत दिन से वीडियो नहीं आया, तो मैं क्या कहना चाहूँगा कि इस बार इस वीडियो पर लाइक एम है हमारा 15 एंड व्यूज अप्रॉक्स 100, 99 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं एक बात बताना चाहूँगा कि मैंने एक नया लैपटॉप लिया जिसका नाम है रियलमी स्लिम 3, या i3 प्रोसेसर एंड 256 GB स्टोरेज, 8 GB रैम, SSD स्टोरेज है। तो ये बहुत अच्छा सा लैपटॉप है, प्रीमियम लुक भी है। तो चलिए हम प्रोग्राम चालू करते हैं। तो हम पाइथन पहले खोल लेंगे, रियली सॉरी, आइडियली खोलना है हमें, कुछ और ही खुल गया। IDLE, ये कुछ और ही खुल रहा है। हाँ, तो हमें तो पहले न्यू फाइल खोलना पड़ेगा। हाँ, तो गाइज मैं पहले बता देता हूँ आपको प्रोग्राम क्या है। तो प्रोग्राम क्या है कि हमें जब बोला जाता है कि बहुत सारे नंबर दे दिए गए, उसमें हमें निकालना है कि कौन सा मतलब कौन सा ये है, ऑड है या फिर इवन है। हमें बहुत बार आता है, तो ऑड इवन के हिसाब से हमें ये एक प्रोग्राम बनाना है जिससे हम नंबर एक रेंज में एक नंबर दें जिससे हमें पता चल जाए कि कौन सा नंबर ऑड है या कौन सा इवन है। तो हम इसे क्या करेंगे कि चेंज हो जाए, तो हम लोग शुरुआत करेंगे, वेरिएबल ले लेते हैं वाई, ठीक है। तो वाई इज इक्वल्स टू इंटीजर मिलेंगे क्योंकि वो नंबर है, फिर इनपुट क्योंकि हमें नंबर लेना है तो इनपुट करेंगे, ठीक है। और इनपुट के बाद अपना लिख लेंगे एंटर दी नंबर फ्रॉम विच दी प्रोग्राम इज गोइंग टू स्टार्ट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है, तो एक वेरिएबल में तो हम लोग ने ले दिया। अब हम लोग लेंगे एक्स, वाई एक्स हो गया, अब एक्स ले लेंगे वाई होगा। तो इसमें भी सेम वही करना है हमें, इंटीजर में लेना है इंट, इनपुट इनपुट फिर ले लेंगे, ऊपर वाला ही लेंगे, बट हमें कुछ और इसमें एक दो वर्ड चेंज कर देंगे जिस हमने कॉपी किया है, Ctrl V, गोइंग टू एंड बस कर देना है हमें और कुछ नहीं करना। तो हम लोग लिख देंगे एंड, तो यहाँ पे एक स्पेस, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम शुरुआत हो गया है, तो ये तो अपना ठीक था। अब हमने एक बेसिक वेरिएबल ले लिया है जिसमें जिस रेंज में हम नंबर्स को इवन या ऑड करने वाले हैं उसके लिए हमने वेरिएबल्स ले लिया, जिसमें हम लोग इंटर कर देंगे क्योंकि हम इनपुट करने वाले हैं। अब हमें मेन प्रोग्राम लाना है जिससे हम लोग को ये होगा कौन सा इवन है कौन सा ऑड है पता चलेगा। तो इसमें मेन मेन हम लोग इफ एलिफ एल्स वाला प्रोग्राम ही यूज करेंगे और कुछ नहीं। तो इसका शुरुआत होगा फॉर एक्स इन रेंज, एक्स इन रेंज, रुकिए रुकिए, एक प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। अगर हम एक्स इन रेंज ले रहे हैं तो वहां पे एक्स वेरिएबल नहीं ले सकते, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल चेंज। तो बहुत सिंपल है, जेड कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमने कर दिया फॉर एक्स इन रेंज, तो हम लोग को क्या करना है, शुरुआती क्या है वाई, एंड क्या है जेड जेड। तो हम लोग क्या करेंगे, वाई पहले लिखेंगे, वाई कॉमा जेड हमारा हो गया। तो पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इफ एलिफ प्रोग्राम के हिसाब से सब कुछ करने वाले हैं। तो पहले हम इफ लेंगे और डबल इक्वल्स लेंगे क्योंकि हमें भी पता है कि वेरिएबल के टाइम पे हमें ये लेना रहता है। तो हम क्या करते हैं, जीरो ले लेते हैं क्योंकि अगर जीरो आ जाता है, ठीक है, अगर जीरो आ जाता है तो हम क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंट करेंगे हम प्रिंट जीरो पे, जीरो ना ही ऑड होता है ना इवन, तो हम लोग इसको बोल देते हैं नाइदर नाइदर इवन नॉर ऑड।
और अगर आपको आपके प्रोग्राम में कोई और भी चीज़ लिखना है आप लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इफ हो गया, अब हमें क्या करना था, एलिफ और एल्स। तो देखिए अभी एलिफ करेंगे, ठीक है ना। एलिफ में भी वही इक्वल्स टू नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें इंट ये तो लेना है, हमें जीरो इंटीजर तो लेना है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हमें जो एक्स है, मतलब सॉरी जो वाई है, सॉरी एक्स है, हमने एक्स को लिया है वाई और जेड के रेंज में, तो जो एक्स है हमारा उसे परसेंटेज वाला जो होता है हमारा फंक्शन वो लगा लेंगे। तो कहाँ से आएगा मुझे नहीं मिल रहा, हाँ ये हो गया। तो इसका मतलब क्या होता है, इस परसेंटेज का मतलब ये होता है कि अगर एक्स टू से डिविजिबल है, तो अगर एक्स टू से डिविजिबल है और वो देता है जीरो, ठीक है, वो जीरो देता है, आप ध्यान से देखिएगा, टू से डिविजिबल है और जीरो देता है, तब क्या प्रिंट करना है, द नंबर इज इवन, या फिर जस्ट इवन लिख दे रहे, बड़ा हो जाएगा प्रोग्राम इवन, ठीक है, हो गया। अब बस एल्स वाला चीज़ बाकी है, क्योंकि एल्स में हम सीधे कर देंगे एल्स प्रिंट ऑड, क्योंकि जीरो का हो गया, जीरो का हमारा हो गया, इवन का हो गया, अब ऑड का चाहिए, ऑड में एल्स कर देंगे, तो बस। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम बस होने वाला है कंप्लीट। मैंने बोला तो बहुत छोटा प्रोग्राम है, तो चलिए इसको रन कर लेते हैं। तो रन करना है, तो इसको हम लोग क्या नाम रख सकते हैं, ऑड इवन प्रोग्राम, आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं तो वही लिखूंगा प्रोग्राम। वैलिड सिंटैक्स कहाँ पे, कहाँ पर इनवैलिड सिंटैक्स है, इसको एक बार और रन कर लेते हैं। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, मैं चेक कर लेता हूँ क्या प्रॉब्लम है, बहुत दिन के बाद कोडिंग किया है, बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है। अच्छा हाँ, ये क्या आता है ना, वो दूर चला गया, उसको उसका साथ चाहिए, उसको उसके साथ रहना ही पड़ेगा। अब क्या हो गया यार, आप लोग ये मतलब पाइथन भी बड़ा वो केस सेंसिटिव होता है, अब वही हटा देंगे, होगा कैसे कुछ भी। अच्छा प्रॉब्लम हो रहा है ना। अच्छा एक बात बताइए, एक्स हमने लिखा ही नहीं तो होगा कैसे, तभी तो सोचा ये ऐसा क्यों आ रहा है, अब होना चाहिए। ठीक है ठीक है, एक्स अभी ये इंटर करना पड़ेगा, हाँ हो गया। अब इसे रन करेंगे तब देखते हैं, जय श्री राम, हो गया। देखिए तो अब यहाँ पे आ गया हमारे प्रोग्राम में, एंटर दी नंबर फ्रॉम विच द प्रोग्राम इज गोइंग टू स्टार्ट, तो हम जीरो ले लेते हैं, ठीक है जीरो। अब क्या आ रहा है, एंटर द नंबर फ्रॉम विच द प्रोग्राम इज गोइंग टू एंड। तो देखिए अगर जैसे हमने जीरो लिया और हमें 10 तक का चाहिए, तो उसके लिए 11 लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक रेंज ले रहे हैं हम लोग, मतलब उसके बीच का, इसलिए 11 लेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, अच्छा यहाँ पे देखिए ऑड इवन ऐसे आ गया, पर यहाँ पे नंबर नहीं आया कि कौन सा नंबर ऑड है कौन सा नंबर इवन है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक्स कॉमा एंड एक्स कॉमा। अगर अब रन करते हैं हम प्रोग्राम को, तो अब देखिए अब जीरो इंटर 11 इंटर, देखिए यहाँ पे आप साथ देख सकते हैं कि यहाँ जीरो पे नाइदर इवन नॉर ऑड, वन पे ऑड, सेकंड इवन, थर्ड ऑड, फोर्थ इवन। इससे आप बहुत ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसे हम अगर इसे कर दें वापस से 100 तक का करके एक बार देखते हैं, ये है जीरो और हम लोग को 101 लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसके बीच का कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इवन ऑड बहुत लंबा सा प्रोग्राम बन गया है। अब देखिए हमें बार बार प्रोग्राम को कैंसिल आउट करना पड़ रहा है, मतलब हटाना पड़ रहा है, तो उसके लिए हम लोग के पास भी एक सॉल्यूशन है व्हाइल ट्रू, जिससे एक लूप बन जाता है। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, इंटर कर दे रहे हैं ऊपर,
वाइल ट्रू, ठीक है ट्रू हो गया, वाइल ट्रू ये हो गया। अब इसको कॉपी नहीं करना, टैप कर देना है, बस हो गया। देखते हैं, देखिए जी 0 3 करके देखते हैं। देखिए अब वापस से प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1 2 ऐसे ऑड इवन लिख लिया। अब यहाँ पे लिख रहा है एंटर द नंबर फ्रॉम विच, मतलब वापस से वो स्टार्ट हो गया है। तो बस हमारे प्रोग्राम में इतना ही था, उसके आगे काम अगले नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे। आप इस वीडियो को देखने के बाद वोटिंग कर लीजिएगा। आप लोग वोटिंग जो है, आप अगर यूट्यूब खोलते हैं, जैसे मैं बता दे रहा हूँ आपको, दिखा दे रहा हूँ, तो जैसे आप यूट्यूब जैसे यहाँ पे खोलें कि मैं योर चैनल पे जाता हूँ, रियली सॉरी, अकाउंट स्विच करना पड़ेगा। हाँ, अब योर चैनल पे जाते, देखिए जैसे ये हमारा कोड विद श्रेयस चैनल है, तो ये हमारा होम पहले आता है, उसके बाद वीडियोस आता है। अब वीडियोस पे जाइए, शॉर्ट्स भी आता है, उसको भी छोड़ दीजिए, लाइव को भी छोड़िए, प्लेलिस्ट छोड़ दीजिए। आपको सीधे जाना है जो है कम्युनिटी, कम्युनिटी पे आप जैसे ही पहुँचेंगे, तो मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, कम्युनिटी पे पहुँचते ही यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे वोटिंग आ रहा है, ठीक है विच वीडियो डू यू वॉन्ट। तो यहाँ पे 4 वोटिंग हो गए हैं, रियली 4 वोटिंग हो गए हैं, जहाँ जार्विस GUI पे 75% है और बेसिक प्रोग्राम पे 25% है। जैसे ये 8 से 9 या 10 तक वोटिंग हो जाएंगे लोगों का, तो वीडियो आराम से अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।